जंगली रहेगा, छोड़ मेरा हाथ टूट जाएगा। अब बोल अब क्या कहती। नहीं नहीं नहीं। अच्छा जो पास आया तो राम कसम सर फाड़ दूंगी। सर फाड़ दे, तो ले फाड़। सच्ची कहती हूँ, हाँ देख सच्ची कहती हूँ। तुम्हारे ना मारती क्यों नहीं, देखू कितना बड़ा कलेजा है तेरा। बस मारती हूँ बस। जा माफ किया, अगर तुझसे नहीं मारा जाता तो ला मैं आप मार लूं। तो तू मुझसे नफरत करती है ना, फिर तो तू मुझसे प्यार नहीं करेगी ना। मुझे कोई अपनी हड्डी पसली तोड़वाना जो तुझसे ब्याह करूंगी। अरे ब्याह के बाद मैं तुझे इस तरह थोड़ी छिड़ा करूंगा, ऐसे फूल की तरह रखूंगा और क्या, हाथ थोड़ी लगाया करूंगा। जब कोई बहुत जी चाह करेगा ना तो इस तरह दूर से तुझे कभी कभी तिनके से छू लिया करेगा। ना बाबा माफ करो। तो तुम इसे ब्याह नहीं करेगी ना? तुम इससे ब्याह नहीं करेगी? नहीं नहीं नहीं। मैं तेरा गला खोल दूंगा। हाय राम बादल छोड़, और जो मैं मर जाऊंगी तो? मर जाएगी तो? मैं तुझे लेकर इस दरिया में डूब जाऊंगा। अरे चढ़ना बाबा। जंगली, अगर अभी हम दोनों मर जाते तो हमारा ब्याह कैसे होता? अरे फिर तो बड़ी धूमधाम से हमारा ब्याह समर्पण होता। सचमुच बाजवे, तुझ पर जरूर कोई भूत सवार है। भूत नहीं है कमू, पुतनी है पुतनी। पर वो गई कैसे? मैंने कितनी दफा मना किया। चोरी कामने की बुआ लौंडिया कहां गई? देखो जी, मुझसे तुम्हारी लौंडिया की चौकीदारी नहीं की जाती। हाँ, और जब कल कला को कोई ऐसी ऐसी बात हो गई तो नाक चोटी मेरी कटेगी। मैं पूछता हूँ वो गई कैसे? मुझसे तो ये कहकर गई कि मौसी के यहाँ जा रही है। ये साली मौसी का तो बहाना है। तो गालियाँ कहाँ को निकालते हो? हाँ काका, ये साली मौसी का तो मेरा मतलब है मौसी का तो बहाना है। झूठ बोलता हूँ तो 150 जूते लगाना और गिनना एक मत काका। वहाँ दरिया किनारे बादल के संग हंसी ठट्टा हो रहा है काका। नाश जाए इस लड़के का। अरे मगर इसमें बादल का क्या दोष? हाँ हाँ, तुम्हारा सपूत तो बड़ा भोला है। राम कसम, जब देखो लौंडिया के पीछे पड़ा रहता है। किसी दिन गंडासे से दो न कर दिए हो तो नाम नहीं। अरे बहुत देखे हैं दो करने वाले, अपने लाडली के दो करो या चार। हाँ जग बहू, मैं तेरे मुंह नहीं लगा। अरे जान दो कामली की बुआ। हाँ, पूत की तरफदारी कर रही हो? अरे देखो तू है तो किसी के दरवाजे पे भीख मांगने तो नहीं जाता। अरे भाभी तुम ही चुप रहो। अरे क्या दिन रात उधम मचाए रखती है भाभी, टोकरी सोने भी नहीं देती। अरे बुआ अच्छी तो? अरे अरे तुम बादल? हाँ बादल, दिखा नहीं पड़ता, आंखों पर भी चर्बी चढ़ गई है। अरे भैया तुम तो अभी अभी दरिया पे थे। दरिया? हाँ कौन सा दरिया? अरे वाह, दरिया भी नहीं जानता? वो दरिया जहां कामनी के संग गोते लगा रहा था। गोते? हाँ कैसे गोते? अरे ऐसे है और कैसे। देखो भैया रंधीरा झूठ झूठ लगाता है। क्यों रे?
रंधीरे तेरी जवानी की कसम, मैंने तो कामनी को 3 दिन से नहीं देखा। अरे 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 जालिम, मेरी जवानी की झूठी कसम क्यों खाता है? वैसे ही मेरी जवानी मिट्टी में मिली जा रही है। ये तो बताओ कामनी कहाँ है? अरे मुझे क्या मालूम, तो लड़ता क्यों? कहाँ गई लौंडिया? मेरी अच्छी दीदी, तेरे पांव पड़ो। अरे ये कामनी तो 3 घंटे से मेरे पास बैठी गेहूं बीन रही है, क्यों झूठा कहेगा? तो भैया मैंने कोई सपना देखा होगा। भाभी सर क्या हुआ, क्या हुआ बादल? भाभी ए भाभी, ओ क्या है वो? ये कामनी है ना, ये मुझे बड़ी बुरी लगती है भाभी। हाँ भाभी, बहुत बुरी लगती हो, बहुत बुरी लगती है मुझको। भाभी भाभी भैया से तो नहीं कहेगी? नहीं, मेरी अच्छी भाभी। चल हट। बादल। हाँ भैया। तबेलों को घास तो डाल दे। अच्छा भैया, अच्छा कहना नहीं है भाभी। घास भैया? हाँ डाल। हाँ डाल देता हूँ घास। तो बादल का नाश मैंने मारा है या तुमने? अरे अभी बच्चा है, बहुत समझाती हूँ, पर उस छोकरी ने न जाने क्या जादू कर दिया है कि किसी के नहीं सुनता। बचपन से संग खेले हैं ना? हाँ, अब ये कामनी के बाप को कौन समझाए, उन्हें तो बस यही रट लगी है कि काम नहीं करता, बड़े अपनी बिटिया के लिए कोई महाराजा ढूंढ कर लाएंगे। इतनी बार कहा बादल से कि भैया शहर चला जा, कोई काम काज मिल ही जाएगा, यहाँ दिन भर लौंडिया के पीछे मारा मारा फिरता है, शहर चला गया तो संभल जाएगा। अब तो ये जी संभाले नहीं संभलता। अरे यार तेरे इसक ने तो नाक में दम कर दिया है, साला दिन रात करो ना। देख बे, ये कामनी तेरे बस की नहीं, जो भगवान न करे कहीं तेरी उससे सगाई हो गई तो कसम है तुझे लुगाई बना के घर में रखेगी। हाँ चूल्हा फुकवाएगी, बच्चे पलवाएगी। चूल्हा फुकवाएगी, बच्चे पलवाएगी? बच्चे? कामनी के बच्चे? तेरी ऐसी की तैसी की। अरे अरे भैया बात तो सुना। तो मर्द नहीं, भूसे का थैला है। भूसे का थैला? हाँ, तू पुरुष जाति के माथे पर कलंक का टीका है। कलंक का टीका? मैं? हाँ, जब तुझसे कुछ किया धरा नहीं जाता तो ये ऐसा करने क्यों चला है? अरे काहे को जुल्म करते हो जगन भैया, क्या नहीं किया मैंने उस कामनी के लिए, कौन से तावीज नहीं किए, कौन से गंडे छोड़ दिए मैंने, पर जालिम का दिल है कि चट्टान पिघलता ही नहीं। पर लौंडिया का बाप तो राजी है। बाप की न पूछो, तुम्हारी कसम, मुश्किल तो ये है कि शादी लौंडिया से करनी है, बाप से नहीं। अच्छा देख, मेरे पास एक बूटी। बूटी? हाँ, जैसे खिला दो चन्नों नान पड़े। चन्नों में? हाँ। तुम्हारी कसम? तुम्हारी कसम, यूं तड़पे जैसे जलबिन मछरिया। कौन? कामनी? हाँ कामनी। यूं चली आएगी खींची हुई। यूं चली आएगी खींची हुई कामनी मेरे पास? आए हाँ, 125 लगेगा। 125? कुछ कम ना हो सकेगा? नहीं। ठहरो ठहरो भैया, अबे ये जड़ी बूटी है, कोई घास फूस नहीं है। अच्छा लो भाई रख दे, ये ले संभाल कर, पान में डाल कर चुपके से। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर वही 420? अरे अरे मंगलिया, देख रही है दीदी अपने पतिदेव के हाथ खड़े। अरे वाह, मैंने क्या किया? तुम उसे बेवकूफ क्यों बनाते हो? अरे मैं क्या उसे बेवकूफ बनाऊंगा, वो तो भगवान बना चुके। अरे मंगलिया जरा बता तो सही, इस मिट्टी के माधव में ऐसा क्या भाग गया तुझे? अरे जैसी गोल मटोलिए वैसा ही वो, खूब रहेगी जोड़ी देखो जी। अरे अरे ठहर तो, हे भगवान।
पान खाए मुख लाल भयो रंग चुए जैसे के सरकार रिहारी कामिनिया हाँ रणधीर की माँ पापा पापू क्या है बे पापा पापू अबे है क्या पापा बापू 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 तू फॉर्म भर रहा है अरे मेरा दुश्मन है इसने मेरी जान ले दी अरे कैसा पान बनाया था रणधीर माँ माँ मैंने पान उसके लिए बनाया था कामनी के लिए माँ तो फिर मैंने उसमें बूटी डाल दी उसे राम करने के लिए माँ अरे माँ बूटी कैसी बूटी जादू की अरे आलू के पत्ते कहीं जादू की बूटी से लौंडियाँ हाथ आती है नहीं। कितना कहा दंड बैठक लगा फूल फूल कर भैंसा बना जाता है सुनो रणधीर की माँ माँ ये बेटा हमारे माथे पर कलंका टीका हे भगवान तुमने इस डरपोक चूहे को मेरे घर में जन्म देकर मेरा अपमान किया है भगवान जगन जगन मंत्र उल्टा पड़ गया जगन मंत्र उल्टा पड़ गया तुमने तो कहा था जो पान खाएगा वो मेरे ऊपर आशक हो जाएगा मगर बापू ने तो मेरी कपाल क्रिया कर डाली जगन ये भी अच्छा हुआ जो पान बापू ने खा लिया और जो कहीं कामनी खा लेती तो भगवान कहीं भूल चूक हो गई शायद तुम्हारी तो हमेशा भूल चूक हो जाती है अब तेरे तो भाग ही खोटे हैं इसमें जड़ी बूटी का क्या दोष जड़ी बूटी का क्या दोष मेरे तो भाग ही खोटे हैं सुन ना रहने दे तेरे बस की बात नहीं जगन भैया बताओ तो सही कामनी के लिए अगर तुम कहो तो मैं आग में भी कूद पड़ूंगा भैया काम जरा मुश्किल है फिर भी बताओ तो सही सुन यहाँ से 150 कोस पर जो मरघट है ना मरघट खत्म हो गया सारा इसे नहीं नहीं अच्छा भाई मरघट ही सही अब तो बताओ 3 दिन तक जाप करना होगा जाप रात को भी सब ठीक हो जाएगा भैया तो फिकर न कर मैं चलूं जरा काम सुनो तो थक गई कौन यही मेरा जीजा फिर तो उसके चक्कर में आया कहो जाके काका से नहीं नहीं मंगलिया बापू से न कहियो जग्गू बेचारे का क्या दोष मेरे भाग ही खोटे हैं दिल से मजबूर हूँ मंगलिया ये जालिम नहीं मानता हवा के पीछे दौड़ रहे हो रंधीरे कामिनी तुम्हें नहीं मिलेगी क्यों मैंने कौन सा पाप किया है जो कामनी मुझे नहीं मिलेगी हाँ समझा मैं मोटा हूं ना भूसे का थैला नहीं नहीं ये बात नहीं मर्द को तो भारी भरकम होना ही चाहिए तो फिर मुझे कामनी बादल की है आई समझ में कामनी बादल की है मेरी नहीं कामनी मेरी नहीं क्या है कुछ नहीं ये सब क्या हो रहा है ठाकुर साहब आ रहे हैं ठाकुर साहब कौन ठाकुर साहब जिनका ये बंगला है अरे रे अभी क्या गमला तोड़ेगा एक अम्मा अरे इधर आ बादल एक अम्मा अम्मो
जो तेरे बापू ने तेरा ब्याह किसी और से कर दिया तो वाह क्यों कर देगा मैं कह दूंगी मेरा ब्याह तो हो चुका किससे है एक बनमानस उससे तो मैं बनमानस हूं हाँ सच कहती हूँ बादल कभी कभी तो मुझे तुझसे डर लगने लगता है तू मुझसे डरती है हाँ डरती हूँ तुझसे नहीं हाँ तेरे इस अनोखे प्यार से बादल अगर कहीं मैं मर गई तो ऐसी बात ही मत कर जब तक मैं जिंदा हूं तू कभी नहीं मर सकती मैं तुझे यमदूत से भी छीन लाऊंगा अच्छा कमो एक इस गधे ने तो नाक में दम कर रखा है हाय राम जाके बाबू से एक की चार चढ़ेगा फादर अब क्या करें चल भाग चल चल बादल बादल तूने हाँ। कामनी को तो नहीं देखा कौन कामनी अरे वाह कामनी को भी भूल गए ओ कामनी हाँ
देख रणधीर, हाँ? उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना। हाँ क्यों? भैया क्या फिर लड़ाई हो गई? आपकी बहुत जोर की लड़ाई हुई है। आपकी बहुत जोर की लड़ाई? अरे आपकी बहुत जोर की लड़ाई हुई। जू तो नहीं बोल रहे हो बादल? अरे नहीं नहीं रणधीर, तेरी जवानी कसम आपकी पक्की लड़ाई हो गई है। अरे मेरी जवानी की कसम न खा जाले। अरे रणधीर क्यों क्यों? कुछ नहीं रणधीर, जाओ जाओ, इधर उधर कहीं होगी। अरे क्या ढूंढूं, अगर मिल भी गई तो। क्या हुआ भैया? घास मत बैठो रणधीर, घास मत बैठो, तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे कपड़े की ऐसी तैसी, बिच्छू खामखा डरा दिया। ये बिच्छू है कि पूरी चार हाथ की नागन है रणधीर। हाँ ये मंगला, ये मंगला, ये मंगला है? अरे हाँ मंगला ही तो है। अच्छा तो कामनी से तेरी सच्ची में लड़ाई हो गई? हाँ। तो बस अब तू इससे ब्याह कर डाल झटपट। हाँ यही सोच रहा हूं मैं। तब देखो भैया, हाँ। भगवान ने ये लौंटिया तो बस तेरे लिए ही बनाई है। सच कहते हो? और हाँ भैया, ये कामनी तेरे बस की नहीं। हाँ। सुनो, अगर ब्याह हो गया, भगवान ना करे, तो बस जोरू बनाकर घर में रखेगी, चूल्हे फुकवाएगी और क्या हुआ रणधीर? हाँ कामनी, कामनी कहाँ है? कामनी वो देखो कहाँ है, कहाँ है? उधर उधर कामनी 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 ओए भैया, मंगला मंगला, और वो बेईमान कहीं का कमीना चोर। मैं अपने जी को कैसे समझाऊं मंगलिया, कलेजे में आग लग रही है आग, तू क्या जाने इस आग को? कलेजे की आग का मुझसे पूछते हो? क्या तेरे दिल में भी आग लग रही है? क्या मैं कोई गाय बैल? क्या मेरे सीने में दिल नहीं? ओह, कौन है वो मंगलिया? एक है। तुम नहीं जानते, मैं तो उसकी हूँ, पर वो किसी और का दीवाना है। तू उसकी है और वो किसी और के पीछे दीवाना है? कौन उल्लू का पट्टा है वो मंगलिया? मुझे उसका नाम बता, मैं साले का भेजा फाड़ दूंगा। हाँ तू बड़ा ही बोला है रणधीर, यही बात तो मुझे तेरी अच्छी लगती है। अच्छा मंगलिया, कोई ऐसी तरकीब बता जो कामनी के दिल में भी मेरे प्यार की टीसें उठने लगे, वो भी जब मेरा नाम सुने तो कोमल कली की तरह लग जाए, सिमट जाए। बता मंगलिया, कामनी को कैसे राम करूं? मुझसे ही तरकीब भी पूछ रहा है? अच्छा, कभी तूने कामनी से अपने दिल का हाल कहा कि मैं तुझे चाहती हूँ, कि तुम उसे कामनी को चाहते हो? कामनी के सामने तो कोई जैसे मेरा टेंटुआ पकड़ लेता है, पसीना छूट निकलता है, बोलना चाहता हूँ बोला नहीं जाता, कहना चाहता हूँ कुछ कहा नहीं जाता। अरे वाह। अच्छा देख, थोड़ी देर को मान ले कि जैसे मैं कामनी हूँ, अब क्या? क्या कहूँ? वही जो तेरा मन कहना चाहता है। हाय देवी, एक बार मेरे दिल की धड़कन सुन ले। सुन रही हूँ रणधीर। हाय देवी, दया कर मेरे ऊपर, ये तेरा दास। दास नहीं, स्वामी, मेरे देवता। भूखा जा रहा हूँ,
तेरे प्रेम की आग में बुझा दे, बुझा दे, नहीं तो, नहीं तो कुछ 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 माफ करना, माफ करना मंगला, न जाने क्या कुछ बकिया तेरे सामने, बुरा ना मानना, बुरा ना मानना, बुरा ना मानना, लेकिन मंगला, लेकिन मंगला, तेरे सामने तो मेरी जबान खूब कतरनी जैसी चलती है, तुझसे तो मैं अपने दिल का हाल कह सकता हूं, मगर मगर कामनी, कामनी, हाय हाय, उसके सामने तो मुंह को ताला लग जाता है। अरे बादल और कामनी गए कहां, गए कहां? छोकरियां गाड़ी लेके भाग गई। छोकरियां? जी वो देखिए हुजूर। चूस नहीं चूस कहीं का, बड़ा पैसे वाला होगा तो अपने घर का। तो कह तो सर फांग, कहने दे। अपने आप ही सर फोड़ कर मर जाएगा। मैं ए लड़की नहीं हूं जी, मेरा नाम कामिनी है, कामिनी। देखते नहीं हम मछलियां पकड़ रहे हैं। तो मैं कब कहती हूं आप झक मार रहे हैं। अरे बाप रे बाप, कितनी ढेर सारी मछलियां पकड़ डाली हैं आपने। जाओ यहां से, तुम गोल मचाओगी तो खाक में मछली फंसेगी। मछली तो क्या, मेंढक भी ना फंसेगा। ठाकुर साहब ऐसा कड़वा मुंह बनाकर बैठेंगे तो मछली तो बात भी ना पूछेगी। अरे आपको हंसना भी आता है? मैं तो समझी थी खाली घोड़े के ऊपर बैठकर हंटर फटकाना ही आता है। कहिए आपकी गाड़ी तो राजी खुशी है, कहीं हमारे बैठने से बिचारी की कमर तो नहीं टूट गई? बादल, बादल आ गया। अजीब लड़की है।
मछलियाँ पकड़ी हैं भैया? अरे अरे ओ बाप रे, ओ भैया भैया पकड़ी है ना। क्या है? बड़ी नटकट छुपली है ये कामिनी। कामिनी, ये लड़की कुछ पागल मालूम होती। पागल तो नहीं है सरकार, बहुतों को पागल बना चुकी। सुन रे सजन सुन, सुन मन की बतिया रे, नैनों को भाए गैली तोरी सूरतिया। मेरा नरम कर जुआ डोल गया, कोई प्यार की बोली बोल गया। मेरा नरम कर जुआ डोल गया, छुप छुप के कोई आता है और प्रेम के बंसी बजाता है, और प्रेम की बंसी बजाता है। नस नस में अमृत घोल गया, मेरा नरम कर जुआ डोल गया। नस नस में अमृत घोल गया, मेरा नरम कर जुआ डोल गया। सरकार, ये शहर की तितरियां तो गृहस्थ के वबाल से घबराती हैं। कोई गांव की सीधी साधी लड़की अगर आप कहे तो। सरकार, मैं पोस्टमास्टर को अच्छी तरह जानता हूं। अपने बाग के फल है, लीजिए लीजिए। हाय राम। आओ आओ बेटा, आओ आओ। सुखी रहो बेटी। इतने ढेर सारे फल ठाकुर साहब ने भेजे तेरे लिए। ठाकुर साहब? ओ, ठाकुर साहब तो बड़े काम के आदमी है। अरे ये तो बड़े मीठे हैं। अरे अरे कहाँ चली पगली? बापू ये फल जरा बाहर बैठकर खाऊंगी। देखिए तो, इतनी बड़ी हो गई और शरारत नहीं छोड़ी। यही बात तो हमारे सरकार को पसंद आ गई है। ओ, तो आप उनसे कह दीजिए मुझे मंजूर है। अरे इतने सारे कहां से लाई? ये था, बड़ा मीठा है, ठाकुर ने भेजे। ठाकुर ने? हाँ। ठाकुर ने तुझे फल भेजे? वो क्यों? पागल कहेगा। अरे खाने के लिए और क्यों? बादल, ए चल आज रात चल के उसका बाग लूटे। लूटने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही तुझे मिल जाएगा। बस जलता। मैं क्यों जलता? तू समझता है
ठाकुर मुझे इन फलों से खरीद लेगा? उसके पास सोने के भी तो फल फूल हैं। अच्छा, तो जब कामिनी का सौदा होगा तो तू बैठा बैठा मुंह देखेगा ना? तेरे मन का सौदा होगा तुम्हें कौन? मेरे मन का सौदा तो हो चुका जंगली, पर सोने के बोझ तले अच्छे अच्छे डांडी मार जाते हैं। तू मुझे इतना नीच समझता है? तो तेरे दिल में मेरे प्यार की इतनी ही इज्जत है? चल दूर है, मुझसे बात मत। अरे ठहर तो, बाप अब मुझसे बात की तो अच्छा ना होगा। मुश्किल है। मुश्किल पर जीत तेरी होगी। वो जो पुराना पीपल का पेड़ है ना शमशान में, तीन दिन और तीन रात जाप करना होगा। तीन दिन और तीन रात जाप? भगवान ने चाहा तो लौंडिया तेरी होगी। पर देख डरना नहीं, 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 नहीं। भूत परे तेरा ताप तोड़ने आए। भूत बाप रे, करने की कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। बोले राव कुछ ना बिगाड़ सके मेरा, कुछ ना कुछ नहीं, कुछ नहीं। देख भेद बदल बदल कर, कभी मात पिता का रूप धार कर, कभी कंचनी का स्वभाव लेकर वो तुझे भटकाने आए। भटकाने पर तू डरना मत। नहीं नहीं नहीं, तीन चक्कर काट कर बीच में बैठ जाना। तीन चक्कर काट कर बीच में बैठ जाऊं? तीन चक्कर काट के बीच में? ये दो, ये तीन, बीच में। आज तो बादल सिंह भी चुपचाप बैठे हैं और बिजली भी सवेरे से नहीं चमकी। मालूम होता है फिर कुछ चल गई। क्यों रे बादल? हमसे बात मत करो भाभी। क्यों रे, अब तो मिलाप ना होगा? नहीं। चलो अच्छा ही हुआ, अब तो कुछ कामकाज करोगे ना? क्या करेंगे कामकाज करके? मैं तो कहती हूँ शहर चले जाओ। हाँ भाई, कुछ रुपया पैसा आ जाए तो अच्छा ही है। किसके लिए? सच कहती हूँ, इस छोकरी ने तो तेरी मिट्टी पलीत कर दी। न मिले चैन न बिछड़े। भाभी झूला झूलने चली? नहीं भाभी नहीं जाएगी। भाभी
बरसात तो दूर है और ये मेंढक अभी से कहाँ को डराने लगे। चलना मेरी भाभी। कह जो दिया कि नहीं जाएगी। भाभी ये कौन है? बड़ा जंगली सा मालूम पड़ता है। भैया कोई नया पकड़ कर लाए हैं। देखो भाभी, इसे मना कर दो। भाभी बादल से कह दो मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती। भाभी कामनी से कह दो कि मैं खुद इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। भाभी बादल से कह दो जो बात मैं कहूँ वही ना दोहराए, कोई नई बात कहे। भाभी कामनी से कह दो कि अरे तुम मेरे कंधे काहे को तोड़े डालते हो, तुम खुद ही कह लो ना। बेशर्म है दोनों के दोनों। नमस्ते बाबा। जीती रहो बेटी। आओ बाबा, आपके तो बहुत दिन बाद आए, कहाँ रहे इतने दिन। अरे हमारा कहाँ रहना सहना, हवा का झोंका है, इधर आए उधर चले। बोले बादल, तूने कहीं सुल्लू के पट्टे को देखा है? किसे, रणधीर को? हाँ हाँ उसी को। वो तो जगन क्या होगा, वहां नहीं है। इस जगन ने उसका नाश मारा है, कल शाम से गायब है। मिल जाए तो मैं उधर दूंगा। बहार जिया डोले मोरा, जिया डोले मोरा, जिया डोले रे, जिया डोले रे। आई बहार जिया डोले मोरा, जिया डोले मोरा, जिया डोले रे, जिया डोले रे। जगा है प्यार मन भोले मोरा, जगा है प्यार मन भोले मोरा, मन भोले मोरा, मन भोले रे, मन भोले रे। आई बहार जिया डोले मोरा, जिया डोले मोरा, जिया डोले रे, जिया डोले रे। आई बहार जिया डोले मोरा, जिया डोले मोरा, जिया डोले रे। कैसे कहूँ री हाय मन के बतिया, धड़के जिया मोरा फड़के अखियां, धड़के जिया मोरा फड़के अखियां। कोई नैनन को भाया मोरे डोल गई काया, कोई नैनन को भाया मोरे डोल गई काया। डोल गई डोल गई डोल गई रे, डोल गई डोल गई डोल गई रे। कोई मन में समाया होले होले रे, कोई मन में समाया
नमस्ते काका, नमस्ते नमस्ते। तुम्हारी कसम, तुम्हारी कसम, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने रणधीरों को 3 दिन से देखा भी नहीं। काका न जाओ, न जाओ काका, कह देता हूँ भसम हो जाओगे, न जाओ। तो मैं क्या करूं? डरने की कोई बात नहीं रणधीरे, ये भूत प्रेत तुम्हारे मात पिता को उठाकर कर डराने आए। अबे ओ लूके बच्चे, ये क्या ढोंग रचा रखा है तूने? उठ, सीधी तरह घर चल। अबे उठता है, मैं आऊं। तुम मेरे पिता का रूप धार कर आए हो, पर मैं जानता हूं तुम भूत हो। आ काका, क्या बताइए? जाने दो काका, चक्कर में पैर न रखना, हाँ नहीं तो भस्म हो जाओगे। तेरे चक्कर की ऐसी की तैसी। नहीं बापू, वो तो पहले ही थप्पड़ से समझ गया, भूत होता तो कभी का भसम हो गया होता। क्षमा करो बापू, क्षमा करो। अरे आओ, बचाओ बचाओ, अरे बापू को कुछ हो गया। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। हमें मार चला ये ख्याल, ये गम न इधर के रहे न उधर के रहे, न इधर के रहे न उधर के रहे, किसी और का हो गया कोई तो हम न इधर के रहे न उधर के रहे, न इधर के रहे न उधर के रहे। हम जहर तो खा लेते उन बिन, खंजर भी चला लेते, लेकिन न हो उनको खबर तो हाय सितम, न इधर के रहे न उधर के रहे, न इधर के रहे न उधर के रहे, न हो उनको खबर तो हाय सितम, न इधर के रहे न उधर के रहे। है वो प्यार का फंदा गर्दन में, जीते न बने मरते न बने, हाँ जीते न बने मरते न बने, हाँ जीते न बने मरते न बने।
यूं ही बीच गले में अटका है दम, न इधर के रहे न उधर के रहे, न इधर के रहे न उधर के रहे, यूं ही बीच गले में अटका है दम, न इधर के रहे न उधर के रहे, हमें मार चला ये ख्याल ये गम, न इधर के रहे न उधर के रहे, हमें मार चला ये ख्याल ये गम। अबे ओ उल्लू के पट्टे, किसी को सोने भी देगा कि रात भर रहता ही रहेगा? माँ माँ, तीन दिन की तपस्या पर खाक डाल दी, दो चार हाथ की बात रह गई तो जालिम ने रस्सी काट दी। माँ आग लगे तेरी तपस्या को, भगवान समझे इस जग्गू के बच्चे को। अरे मंगो, तू काहे को इस निकम्मे के पीछे रो रही है? बेशरम कहीं का, वो नकचढ़ ही मुंह लगाती नहीं और इसका कलेजा फटा जाता है। अरे तो ये कोई अपने बस की बात है माँ, नसीब की बात है, नसीब की। चूल्हे में जाए ऐसा नसीब, खोटी अकल के। बस अब हो चुका प्रेम, कल ही मैं जाके मंगला की दीदी से बात पक्की किए लेती हूँ। कौन मंगला? अंधे कहीं के, तुझे मंगला भी नहीं दिखाई देती? मंगला, ये माँ मंगला क्या कह रही माँ? मंगला, अरे हाँ मंगला ही तो है, मंगला। माँ ये मंगला थी ना माँ? हाँ सीधा बैठ। मंगला मुझसे शर्मा कर भाग गई। मारी, तूने पहले ही काहे को याद न दिलाया? बेनहा को बापू से जूते खिलवाए, मेरा पलस्तर ढीला करवा दिया, जब जाके कहीं बोली। मंगला मंगला, लक्ष्मी है लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन लक्ष्मी? याद है माँ, तूने ही एक दिन कहा था कामनी से मेरी सगाई करेगी। बस बस उसी दिन से कामनी मेरे मन को भा गई, फिर आज तूने मंगला का नाम लिया, मंगला, और अब तू लक्ष्मी पर रिझ रही है। देख माँ, मंगला से मेरी सगाई कर दे, लक्ष्मी वक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए। हाँ अबे ओ उल्लू के पट्टे, मंगला मंगला, चल तो रहा हूं। थामू चोरी, चल सीधी तरह चल। निकम्मा, तो ऐसा कौन सा पाप हो गया जो दो बोल छूटे मुंह से निकल गए? कि बचपन से संखेले हैं, इनका छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अरे तो क्या जबरदस्ती छाती पर चढ़ के शादी कर दोगे? ये भैया वो जबरदस्ती के दिन गए, भला से आने तो क्या चाहती हो? इसे उस निखट्टू के बल्ले बांध दूं? भाई के टुकड़ों पर तो खुद पड़ा है, इसी तरह से भी ले जाकर भावत की चाकरी में डाल देगा। मेरी भला से जो जी में आए करो। अच्छा चेत सिंह की बहू के पैर दबाएगी, तेल मालिश करेगी, तो बची खुची से भी मिल जाया करेगी। तेरे ही भले को कहता हूं बेटी, बादल किसी काम का होता तो मैं कभी इनकार ना करता। हाँ बेटी, शहर भेज रही है, वहां गुटगुट के मर जाऊंगा। कम मेरी खातिर
मुझे प्यारने के लिए पात्र, और फिर जब तू ठाट बाट से कोट पतलून पहन कर आएगा तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। फिर हम नदी पार ऊंचा बंगला बनवाएंगे, जब भी ऐसे मालूम होता है जैसे मुझसे कोसों दूर है, जैसे तुझे मुझसे कोई छीने लिए जा रहा है। तेरी बात पर भरोसा करके जाता हूं कुमार, ये धोखा मत देना, मेरी मोहब्बत का अपमान मत करना कुमार। कहना उर्फत के
तुम लौट आए? हाँ कम, वहां मेरा घड़ी भर को भी दिल नहीं लगा। कम बापू सच कहते हैं, तुम निकम्मे हो और सदा निकम्मे रहोगे। कम्मो काहिल मिट्टी के माधव, कि यही तुम्हारा प्रेम है? क्या इसी मुंह से कहते थे मेरे लिए जान दे दोगे? चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता कम्मो, तेरे बिना मेरा दम घुटने लगता है। हाँ। क्या सदा इसी तरह मेरे पल्लू से बंधे रहोगे? पर अभी जो तू मुझे याद करके रो रही थी, बुद्धू कहेंगे, तुम समझे मैं सचमुच बैठी तुम्हारे बिरह के गीत गा रही थी? क्या मैं सारी उम्र एक निकट्टू की आस में कुंवारी बैठी रहूंगी? तो क्या तुझे नदी पार का ऊंचा बंगला मुझसे ज्यादा प्यारा है? हाँ, पर अब वो बंगला तुझसे ना बन सकेगा। मेरा दिल मत तोड़ कामनी। और तूने जो मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे सब सपनों को मट्टी में मिला दिया। कम्मो, कम्मो, तुम तो कहां पे हो? चलो अंदर चलो। आखिर लौट आया ना? अरे मैंने तो पहले ही कहा था।
मुझे छोड़ दो बाबू, मुझे मुझे दुनिया बड़ी नीच है साहब, बेकार को मेरी बच्ची को बदनाम कर दिया। खैर अब तो मर गया, अगर वो जिंदा होता तब भी उस कंगाल को मैं अपनी बेटी हर किस्मत देता। देवी
मार्फत पोस्टमास्टर मोतीवर। प्यारी कमो, प्यारी कमो, तुम्हारा बादल, बादल। कुछ भी नहीं। आओ, कोई माचिस आचिस होगी? माचिस, माचिस तो अच्छा रहे। बाल बच्चे तो अच्छी तरह से है ना? बादल की मौत ने अपनी कमर तोड़ दी, अब तो काम में ही मन नहीं लगता। हाँ बेटा, उसके खेल वही जाने। अच्छा काका, मैं चल जाऊँ। घर पे कौन बिठा सकता है? मैं तो आज मरा, कल दूसरा दिन, क्या भरोसा। Thank you.
क्या हुआ? तुम तो भक्ति हो, मेरी बिटिया तो राज कर रही है राज। वाह, आज तो तुम्हें देखकर भैया का हार फेल हो जाएगा। भाभी कहाँ गई? गई कहाँ गई? कहाँ गई? अरे भाई मैं के गई और कहाँ जाती? कहाँ चले? जरा समझ गई, भाभी के मैके, ठीक है ना? दो घड़ी को भाभी आंख से ओझल हो जाए बस, डार्लिंग डार्लिंग है तो सुनो तो, ये देखो हमारा नया सूट, ठीक है ना? हाँ ठहरी, चाहूंगी तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। छोड़िए, छोड़िए मुझे। कह रही? ठीक ही कह रही, आपको उससे प्रेम था। बस जल गई भाई, औरत की जाति कितनी शक्की होती है। तो तुम समझती हो मुझे अब तक उससे प्रेम है? मेरे लिए तो वो मर चुकी। नहीं, मरने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मगर तुमसे तो ब्याह हुआ है, पहला प्रेम ही ब्याह होता है। हाँ। नहीं। सरकार आपको वहम हो गया है, वो पागल बागल कुछ नहीं है। मगर फिर ऐसे ही अगर जंगल का पौधा महल में सजा दिया जाए तो पुराने पत्तियां झड़ने में और नई निकलने में कोई देर तो लगती है। ना जाने आपको कब यकीन आएगा कि मैं आपकी हूँ। तो फिर क्यों हरदम मेरे कलेजे में टीसी उठा करती, जैसे कोई तुम्हें मुझसे छीने ले जा रहा है। मेरे पास भी होती हो तो बैठे बैठे ना जाने कहाँ गायब हो जाती। आपको तो वहम हो गया है, भला आपके सिवा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? बादल, तू दूर हो यहाँ से। मैं तो बादल की हूँ, नहीं तू झूठी है। कामिनी, सुना सुना आपने ये क्या कह रही है? कामिनी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? Oh,
रंधीरे को क्या हो गया? ये रंधीरे, कहीं तू मेरी वर्दी से तो नहीं डर गया? मैं लड़ाई पे गया था, देख देख वो जिंदा तुम्हें मरा ही कब था जगन? तो वो मालूम होता तुम सब लोग मुझे मुर्दा ही समझे हुए थे, और भैया ने तो मेरी चिट्ठी का जवाब ही नहीं दिया। समझे होंगे कि पैसा मांग बैठेगा। क्या बात है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं। धीरे धीरे कामनी कैसी? कामनी अच्छी है, उसका तो ब्याह हो गया। भैया भैया सही हो सकता, उसका मेरे साथ ब्याह नहीं हुआ। वो तो वाह, मैं क्यों बताऊं भला कि कामनी का ब्याह ठाकुर से हो गया है। झूठ बोलता है? नहीं, झूठ बोलता है। ऐसा नहीं हो सकता, कामनी मेरी है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रहने दे, दादी चोट है, वो ठीक हो जाएगा। चल रंधीरे। चुप सी लग गई है, बोलता चलता नहीं, कुछ कहता तो नहीं मेरे बारे में? नहीं, कोई तेरा नाम भी ले दे तू बिगड़ जाता है,
मेरा नाम सुनकर बिगड़ जाता है। अच्छा राम करे वो मुझे भूल जाए, मुझे भूल जाए तो अच्छा ही है। हाँ मंगला तू बड़ी भगवान है, कुछ नहीं तुझे बहुत दिनों के बाद देखा तो गांव याद आ गया। सब तो अच्छे हैं, रणधीर तो ठीक है। हाँ अच्छे हैं पर काका की तबीयत ठीक नहीं, कहते थे कामनी से कह दीजिए मैं जरा ठीक हो जाऊं तो आऊंगा। बाबू से कह देना अब कामिनी से भगवान के यहां मुलाकात होगी। Thank you.
बी सिंह, तो आप मिलिट्री में हैं? जी हाँ। और यहाँ छुट्टी पर आए हुए हैं? जी। आओ आओ। बैठिए ना मिस्टर सिंह, ये मेरी भाभी है। आओ बैठो। नमस्ते देवी जी। नमस्ते। मालूम होता है ने पहले कहीं देखा है। किसे? भाभी को? जी हाँ, शायद मेरा बहन। लेकिन अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जरूर कहीं देखा होगा। पिछले जन्म में नहीं, मगर अब तो आप पहचान ही गए। अब मैंने अच्छी तरह पहचान लिया। जी कुछ है? अच्छा मैं चलूंगा। अब बैठिए, चाय तो पीजिए। शुक्रिया। अजीब आदमी, न जाने रहता कहाँ है। अगर अब के कभी आए तो उससे पूछना। अब के वो इस घर में ना आएगा। क्यों? मेरी मर्जी। अरे सुनो तो। छोड़िए, आपको तो हर बात की जिद होती है। अरे भाई तुम तो खान का। आप गए नहीं? जी नहीं, यहां से जाने को जी नहीं चाहता। तो आइए बैठिए। बॉय चाय बाहर ले आओ। आइए। अरे चलिए ना। चलिए आइए मिस्टर सिंह। शक्कर जरा ज्यादा पीता हूँ देवी। कितने रोज की छुट्टी पर आए हैं आप? जी अभी कुछ तय नहीं किया, मुमकिन है आज ही वापस चला जाऊं, मुमकिन है कभी वापस नहीं जाऊं। और आपकी फैमिली? मेरे पास ही तो है। जी मेरा मतलब है वो हमसे कितनी ही दूर क्यों ना हो, दिल से दूर भाग कर नहीं जा सकती। लाओ। और बाल बच्चे? शादी हो जाती तो बाल बच्चे भी हो जाते। आपकी शादी नहीं हुई? जी नहीं। तो बड़ी अजीब बातें करते हैं आप भी। जी हाँ, मेरा मतलब है कि अच्छा जाने ही दीजिए। ये लीजिए कुछ खाइए। शुक्रिया। तुम ही कोई रास्ता सुझाओ।
नहीं तो मेरा गला घोट डालो, मेरा गला घोट डालो बापू। बेटी, उसी का दिया सब कुछ तो है, ये ऊंचा बंगला, ये बाग बागीचा, ये कपड़े गहने, बड़े आदमियों के भी क्या ठाट है। चला जा बादल, चला जा यहां से, नहीं तो क्या हो? मिस्टर सिंह, जैसी आपकी मर्जी, मैं भी वैसे दिन भर अकेला पड़ा रहता हूं। अरे देखिए, ये कह रही है कि मैं रोज यहां आया। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते, चुपचाप भाग गए। बड़े खराब आदमी हैं आप। अरे आप तो नाराज हो गए। अच्छा सा हमारी किस्मत ही खराब है, दुनिया हमसे रूठ चुकी है, आप भी रूठ जाओ। देवी जी नमस्ते। अरे आप हमें देवी क्यों कहते हैं? बात यह है कि जब भी मैं इनकी सूरत देखता हूं ना, तो जवाब भी फिर कभी देंगे। अगर आप कहती हैं तो नहीं जाती, चलिए वहां बैठ। कमला, कितना लंबा चौड़ा नाम है तुम्हारा। अगर मैं तुम्हें कम्मू कहूं तो बुरा तो नहीं मानूंगा? कम्मू, घबराने में तुम्हें खा तो नहीं जाऊंगा। जानती हूं मैं यहां किस लिए आता हूं? सिर्फ एक बार तुम्हें देखने के लिए। तुम चाहती हो कि मैं यहां ना आऊं, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं। अगर मैं न भी चाहूं तो मेरे पैर यहां भटक कर चले जाते। अब बताओ मैं क्या करूं? भाई ऐसे कहिए, अपने दिल से निकाल दे। भाभी वो तेरे लायक नहीं।
वो तुझसे प्रेम नहीं करता, वो कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता, वो तू दीवानी है, तू नहीं जानती वो तेरे प्रेम को पैरों तले कुचल डालेगा। ये बकवास मत कर, तुझे कह दिया ना एक बार। बैठिए बॉय, मिस्टर सिंह के लिए चाय लाओ। नहीं भरा और क्या कुछ देखना बाकी रह गया है। हरी, मैं इस बार अपना जीवन एक कर दूंगा, इसे तेरा जीवन नहीं बिगाड़ने दूंगा। आज मैं ठाकुर से सारी बात कह दूंगा। बापू जी, मैम साहब गाड़ी तैयार करो, पिताजी गांव जाएंगे। बहुत अच्छी बेटी, हारने का बल नहीं है। डार्लिंग, आपने नाच गाने का इंतजाम किया? अरे कल आपके सालगिरह है। जी शुक्र है, आपको याद तो रहा। देखिए जनाब, अगर कल भी आप देर करके आए तो मैं आपसे सारी उम्र बात नहीं करेंगे। देखिए कल जल्दी आइएगा। मिला गए मैं।
कहीं तुम्हें अपनी बात का जवाब मेरी आंखों में न मिल जाए। चला जा बादल। अगर इतना बल होता तो मैं यहां आता ही क्यों। नमस्ते। नमस्ते। मैं कोई भौरा नहीं हूं कुमो, जो कड़ी कड़ी पर मंडलाता फिरूं। मैंने एक बार मोहब्बत की थी और आपका मकान बहुत खूबसूरत जगह बना हुआ है। तो फिर तुम कमला का जीवन क्यों मिट्टी में मिलाना चाहते हो? मुझे किसी के जीवन से क्या दिलचस्पी। तुझे इन बातों से क्या मिल जाएगा बादल? वही जो तुझे मिल गया। तूने मुझे धोखा दिया बादल। तूने मुझे धोखा देकर अपनी झोली सोने से भर ली। कमला अब मेरे काबू में है। मैं उसे तड़पा कर अपने तड़पने का बदला लूंगा। वो सारी उम्र सर पकड़कर रोएगी और तुम्हारे पति देव के कलेजे पर छुट्टियां चलेंगी। तुम्हारा सुख चैन हराम होगा। जब दुनिया को मालूम होगा किस तमाम तबाही की तुम जिम्मेदार हो, तुम जो इस घर की रानी बनकर बैठी हो, तो तुम किसी के सामने सर ऊंचा करके नहीं चलोगी। उस वक्त मैं हंसूंगा, मैं हंसूंगा कम्मा। नहीं नहीं बात है, मैं तुझे कभी अपने जीवन में आग ना लगाने दूंगी। ये मुझे इस घर से निकाल रहे हैं। अगर आपकी भी यही मर्जी है तो मैं। ये घर मेरे भैया का है। चलिए ना, ना शुरू होने वाला है। चलिए ना देवी जी, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। कमला, फरमाइए। तेरे ही भले को कहती हूं। बस यही कहना है या कुछ और भी? कमला, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, मैं समझ गई। क्या तुम जलती हो कमला? भैया, भैया। क्या है? ये। कामिनी, चलो यहां से। Thank you.
है देखो प्रीत ना हो बदनाम प्रीत ना हो किसका है दिल किसका है मेरी जान जिगर किसका है आओ मिलकर जमाने की लूटे बहार आओ मिलकर जमाने की लूटे बहार तेरी बाहें गले में है फूलों का हार तेरी बाहें गले में है फूलों का हार वो मिलकर जमाने की लूटे बहार वो मिलकर जमाने की मुझको उल्फत के फरेबों में बहुत कुछ जकड़ा मुझको उल्फत के फरेबों में बहुत कुछ जकड़ा मैंने दुनिया को झटक कर तेरा दामन पकड़ा मैंने दुनिया को झटक कर तेरा दामन पकड़ा अब तो रस्ते में अपने नहीं कोई हार अब तो रस्ते में अब तो रस्ते में अपने नहीं कोई हार अब मिलकर जमाने की लूटे बहार अब मिलकर जमाने की लूटे बहार अब मिलकर जमाने की जगमग जगमग हार रे तेरे गले को लाया प्यारी जगमग जगमग हार रे अब तो कर ले प्यार सजनिया अब तो कर ले प्यार रे अब तो कर ले प्यार सजनिया दिल में तड़प रहे हैं जो अरमान निकाल दे मेरे गले में दौड़ के बाहें तो डाल दे
ये बाहें नहीं बेकल तेरी गर्दन के लिए, हाथ भी अपना बढ़ाना मेरे दामन के लिए। मिल गया मेरे गुलिस्तां को सजाने वाला, मिल गया मेरे गुलिस्तां को सजाने वाला, लाल गोहर मेरे कदमों पे लुटाने वाला, लाल गोहर मेरे कदमों पे लुटाने वाला। अपने पहलू में समझता था कि दिल रखती है तू, दिल रखती है तू, दिल नहीं सीने में एक पत्थर की सिल रखती है तू, रखती है तू, मकर की पुतली वफा के नाम की दुश्मन है तू, दुश्मन है तू, डस के मेरे दिल को जो पलटी है वो नागन है तू, नागन है तू, नागन है तू, नागन है तू। अपनी इज्जत अपनी वक्त अपनी गैरत बेच दी, गैरत बेच दी, बेच दी। तूने दौलत के लिए अपनी मोहब्बत बेच दी, मोहब्बत बेच दी, मोहब्बत बेच दी, मोहब्बत बेच दी, मोहब्बत बेच दी। चुपके बैठे रहो, हम घर में नौकर आओगे क्या? कब तक भटकाते रहोगे भगवान? मेहमान बने और तुम यहां बैठी हो, क्या मुझे जलील करने की ठान ली? आपकी इज्जत के लिए मैं अपनी जान तक दे दूंगी। ये बैठे बैठे तुम्हें हो क्या जाता है? अच्छा चलो यहां। आप भाभी की बातों का बुरा ना मानिएगा, वो तो ऐसी दीवानी बातें किया करती हैं। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि भाभी सचमुच पागल है। भैया कहते हैं शादी के पहले बड़ी चंचल थी, पर जिस दिन से यहाँ आई है मानो उन्हें साफ सुन गया है। न हंसना न बोलना, अजीब बहकी बहकी बातें करती हैं, हर वक्त खोई खोई सी रहती है, जैसे कहीं कुछ रखकर भूल गई। क्यों? सुना है इनका कोई प्रेमी था, बेचारा मर गया। मर गया? हाँ, जलकर भस्म हो गया। उसका सूट बना रही है जी। क्या सोच रहे हैं? कुछ तो नहीं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। ये भी चलिए चाय पीने। हाँ।
कमला आई, आप चलिए मैं अभी आती हूँ। अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। पागल, बिल्कुल पागल। मुझे कई बार शुभ हुआ, आज बड़ी महफिल में मेरा खेल बना कर रख दिया। दुनिया हंस रही है कि मैंने एक पागल कंवारी से ब्याह कर लिया, मगर तुमने उसे जहर क्यों दिया, मुझे क्यों न दे दिया? बोलो, बताओ, अगर मुझे क्यों नहीं फूटती, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसने मेरा क्या बिगाड़ा था? पागल तो आप हैं ठाकुर साहब। मैं? आप कुछ नहीं समझते। आप मूर्ख हैं जो कमला को देखते आंख में झुके दे रही हैं। वो कमला से प्रेम नहीं करता, पर ना कभी कर सकेगा। वो तो बदला ले रहा है। बदला ले रहा है? किससे? मुझसे। ये क्या बक रही हो? आप नहीं जानते वो कौन है। अब तुम जानती हो। मैं उसे जानती हूँ और जन्म जन्म तक जानती रहूंगी। ये क्या कह रही हो? जिस दिन मकान को आग लगी, बादल शहर जा चुका था। उसकी कोठड़ी में एक भिखारी आन पड़ा था। सब लोगों ने यही समझा बादल चलकर भस्म हो गया। मैं बड़ी पागल हूँ, मैं बड़ी पागल हूँ, मैं बड़ी पागल हूँ। मेरा तबला खोल लिया।
मैंने क्या कर डाला भाभी, बड़ा दिल दुखाया उसको मैंने। भैया तेरे ऊपर तो ऐसा भूत सवार था कि तूने कभी ठंडे दिल से हमारी बात न सुनी। वो मेरी है भाभी, और आज मैं उसे अपने दिल में छुपाकर हमेशा के लिए यहां से जा रहा हूं। देखो तुम उससे कह देना कि बाद उनको जिस चीज की लगन थी वो उसे मिल गई। कामनी मेरी है भाभी, वो हमेशा मेरी रहेगी, वो मेरे साथ जा रही है भाभी। तू उसे साथ नहीं ले जा सकता, कमीने। तुम भी अब मेरी दौलत मुझसे नहीं छीन सकते, वो मेरी है और मेरी रहेगी। कमीने, ये तुमने क्या मेरे खून से मेरी जाती, मेरा जीवन सफल हो